हेलो आने वाले समय लगता है कि हर नौजवान कितने ना कितने पंजाब दे विच गुरु दी लड़ लगेगा। देखो हर सिख ने खुआर होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो हुए हर सिख ने खुआरी झल के गुरु को ही आना है। सो इस करके हर नौजवान जिहड़ा वह गुरु दे लड़के भी लगेगा, वह कौमी संघर्ष भी करेगा, क्योंकि सिख नौजवानों को हुण लंबा समा सिक्खी तो दूर नहीं रखा जा सकता। अमृता भलाके दी किन्नी गिनती आ चुकी है तुहाडे कोल? नहीं मैं कोई असीं इस बार कोई डाटा नहीं रखिया, पिछली बार भी नहीं रखिया, वो क्योंकि उत्थे ही जाके पता लगेगा। श्रोमणी कमेटी असीं 9 बजे सद्या से करके 12 बजे शुरू होना। पंजाब दे नौजवानों नूं लोकां नूं अपील कीती सी कि आप गुरु वाले बनो, किन्ना हुंगारा मिलेगा। देखो बहुत पिंडां दे विच वी अमृत संचार हो रहा, जिथे समागमां च गए हैं दो दो चार चार सौ नौजवान उत्थे अमृत छक रहे हैं बीबीआं भैणां रल के। सो असीं ये कहने भी जरूरी नहीं भी इसे तख्त ते आके छकना, तुसीं जिथे भी अमृत संचार तुहाडे लागे हो रहा उत्थे अमृत छकना जाके, तो अमृत छक के गुरु के सिंह बनना है। ये हर महीने आप अमृत संचार महाराज की कृपा के नाल इतने होया करूगा, इतने ही नहीं होर तख्तों पर भी होया करूगा, जिथे भी होया करूगा होकर दया करेंगे संगत पहुँचा करूँगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कितना का सहयोग दिया जा रहा है? नहीं देखो उन्होंने सहयोग, ये गुरु का स्थान है, कमेटी वह प्रबंध देख रही है, असं अमृत संचार की गल की है, कोई होर तो गल की नहीं, तो उन्हों का फर्ज बनता है। हजे प्रबंधा के बारे सूँ बहुता पता नहीं, पर यह आ भी जोड़ा बेनती करदा कि जिहड़े इहो जिहीआं बेसिक गल्लां करदे उन्हां दे गड़ी माइक ना करिया करो। 84 दा माहौल तुसीं दस्सो भी कि 84 दा माहौल आ रहा दुबारा? नौजवान जे सिक्खी नाल जुड़ के वापस नशे छड्ड देणगे ते 84 दा माहौल की आजूगा? ते 84 दा माहौल साडे लई कोई माड़ा माहौल नहीं सी, नौजवान नशे नहीं सी करते, टीके लाग नहीं सी मरते, संघर्ष करके मरते, शहीदी प्राप्त करते। सो शहीदी का दर्जा बड़ा उच्चा होंदा है। ये माहौल काला दौर कह के असी भंडिया, साढ़े लिए सुनहरा दौर है। ये तो कल कोई कह दूगा चमकौर की गढ़ी के विच काला दौर आ गया, कोई कह दूगा भी बंदा सिंह बहादुर ने काला दौर लैंदा पंजाब च आके। सो इस करके ये दौर चिट्टा ही है, अज जिहड़ा चिट्टा दौर चला लिया आपां वह किन्ना सहायक है। सो इस करके लोगों को समझना चाहिए। गुलामी सब तो वड्डी गुलामी सब तो वड्डी यह है, कल एक निहंग सिंह नौजवान नू यूपी दे विच बइयां ने ट्रेन च सुट के कतल कर दिता। कोई पंजाब दी खब्बे पक्षी धिर बोली भी सिखां नाल धक्का हो रहा, कोई बोलिया भी सिखां नाल धक्का हो रहा, क्यों नहीं बोलते? जे कहिंदे सिखां ने किसी बइये दे चपेड़ भी मारी हुंदी ते इन्हां धरने मोर्चे लाउणे सी, इत्थे बइये सिखां दीआं पंगा ला के उन्हां नू कुट रहे आ। तो हुण तुसीं देखो भी जे सिखां ने गाड़ियों जवाब देता फिर सारे चीकां मारने, मैं पहलां कहिंदा हुण बोल पाओ बाद ना बोलियो, बाद फिर जिहड़े बोलण वाले आ वह भी विचे मतलब उन्हां दा भी जुगतान होगा विचे ही। मैं ये गल कहना भी श्रोमणी कमेटी जब संघर्ष करना चाहती हुई संघर्ष करे भी सेंटर के अधीन या कानून के अधीन साड़ी कमेटी नहीं चल सकती, सिखां दी सॉवरन कमेटी है, सिखां दी कमेटी आपे फैसले करे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनावे, आप मतलब अपना जिहड़ा जज बिठावे आप फैसले करे। नहीं देखो जे तो दिल्ली हुकूमत के खिलाफ कितने भी करना है विरोध का कोई तौर तरीका हो, जो कोई कहे काले जीड़े पाके चल जो मैं नहीं कम कर सकता। हाँ यह है भी जो कोई संघर्ष करना है तो हकों लिए संघर्ष करना है तो पंजाब की चढ़ती कला करना उत्थे पहुंचा। पंजाब का सब तो वड्डा मुद्दा गुलामी का मुद्दा है, पंजाब के उत्ते गुलामी है, पंजाब नूं दबना चाहुंदे आ। देखो यो गुलामी तो जो आप भय तो मुक्त हो गए अमृत छक के नौजवानों को अपील की है, जो डर ना रहा अंदर मौत का डर ना रहा तो फिर कोई नहीं गुलामी आपे दूर नहीं, गुलामी की चीज़ होंगी गुलामी डर जो जी। साड़ी हर एक उस बंद सांझ है जो पंजाब प्रस्त है, जिहड़ा पंजाब विरोधी है वो चाहे सिख है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उन्होंने कोई सांझ नहीं, उन्होंने सांझ रखने की लोड़ भी नहीं सानू। नहीं 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 महीने बाद
दो दिन होंगे हफ्ते के ऐतवार बुधवार संगरांद वाले दिन भी होंगे वो की आ भी असी यह गल की आ भी असी हर महीने एक तख्त कॉल दिया करा उ नौजवान पहुँचा करेंगे क्योंकि फिर उत्थे इंतजाम वक्रे तरीके करने पेंदे आम दिनों संगत एक नॉर्मल नंबर संगत अमल छकती है तो जिते कॉल दीती होंगी उत्थे संगत वधदी है सो इस करके एक महीने एक बार कितने कित इंतजाम करके अमृतपाल अमृतपाल की गल करता पे हुकूमत के निशाने ते क्यों देखो जिहड़ा भी मनुख सिखी की गल करूँ सिखी की चढ़ती कला की गल करूँ 500 साल हो गया 500 साल वो मनुख हमेशा हुकूमत के निशाने रहेगा 500 साल सिखा ने यह वेख्या सारा कुछ हर हुकूमत वेख ली है।